हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं इरफान, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण बताने वाला हूं, जिसे देखकर, जिसे महसूस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहे बच्चे का विकास, आपके घर में पल रहे बच्चे का डेवलपमेंट रुक चुका है। अब आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, अब आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सिम्टम्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी का बटन क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए करे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम्स है, मॉर्निंग सिकनेस का अचानक कम हो जाना या मॉर्निंग सिकनेस का अचानक बंद हो जाना। फ्रेंड्स, मॉर्निंग सिकनेस जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये सारे मॉर्निंग सिकनेस कहलाते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले हो रही थी लेकिन ये अभी अचानक बिल्कुल बंद हो चुका है या बिल्कुल कम हो चुका है, तो हो सकता है कि आपके बेबी का डेवलपमेंट रुक चुका है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, दूसरा जो सिम्टम्स है, पेट का ना भरना। ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद, उनका पेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी का 5वां महीना हो चुका है या 5वां महीना पार कर चुका है लेकिन अभी तक आपका पेट धीरे धीरे बाहर नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके बेबी का डेवलपमेंट रुक चुका है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तुरंत मिलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तीसरा जो सिम्टम्स है वो है आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना या डिस्चार्ज होना। वैसे तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का ब्लीडिंग या हल्का हल्का डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है या कई दिनों से लगातार हो रही है या डिस्चार्ज बहुत ही दिनों से हो रही है, तो हो सकता है कि आपके गर्भाशय में जो एमनियोटिक थैली होती है, जिसे हम पानी की थैली भी कहते हैं, जिसमें बच्चा घूमता है, ये एमनियोटिक थैली फट जाने की वजह से आपके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज हो रही है, आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, इससे आपके बेबी का डेवलपमेंट रुक सकता है। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इस पे डॉक्टर एक्शन ले सके। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम्स है, आपके शरीर में एसजी लेवल का कम हो जाना। वैसे तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में एसजी लेवल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल लेवल से एसजी बहुत ही ज़्यादा घट जाता है तो इससे आपके बेबी का डेवलपमेंट रुक सकता है। इसलिए समय समय पर आप एसजी लेवल का टेस्ट करवाते रहें, ताकि आप पता कर सकें। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम्स है वो है धड़कन का सुनाई ना देना, बच्चे की धड़कन का सुनाई ना देना। बच्चे की पहली धड़कन प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते से 8वें हफ्ते के बीच में सुनी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता हो चुका है लेकिन अभी तक आप अपने बच्चे की पहली धड़कन डॉपलर मशीन की मदद से नहीं सुन पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि बेबी का डेवलपमेंट रुक चुका है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम्स है वो है बच्चे की हलचल महसूस ना करना। ज़्यादातर प्रेगनेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते के बीच बच्चे की हलचल को महसूस करना शुरू कर देती है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते या 20वें हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप अपने बच्चे की हलचल नहीं महसूस कर पा रही हैं, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट रुक चुका है, आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम्स है वो है अल्ट्रासाउंड में बच्चे का ग्रोथ ना दिखना। अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर या सेकंड ट्रिमेस्टर या थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है, तो आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहना चाहिए, ताकि आप बच्चे का ग्रोथ जान सकें, बच्चे का ग्रोथ देख सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर बच्चे का ग्रोथ अल्ट्रासाउंड में कम दिखता है या नज़र नहीं आता है, तो इसे डॉक्टर एक्शन लेते हैं और इसे ट्रीटमेंट के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम्स है वो है क्रैम्पिंग का लगातार होना। फ्रेंड्स, जिस तरह से आपके पीरियड्स में दर्द होती है, अगर इस तरह का दर्द आपको लगातार हो रही है, कई दिनों से हो रही है, तो फ्रेंड्स आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट रुक चुका है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसे मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स बताए, जितने भी लक्षण बताएँ, हो सकता है किसी एक आप फील कर रहे होंगे या हो सकता है इसमें से आप सारे फील कर रही होंगी, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि आप अपने बच्चे का विकास
रुकने से बचा सकें और बच्चे को आप सक्सेसफुली बर्थ कर सकें। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।